तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई वन टैप के ऊपर वीडियो लेके आओ, वन टैप के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो आज हम बात करने वाले M1887 के वन टैप हेडशॉट के बारे में, और आज मैं आपको टोटल 3 टिप बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके वन टैप हेडशॉट के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा फोन 2-3 GB रैम का है, मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करता है, तो ऐसे में हम इसमें वन टैप कैसे मारे हैं। और बहुत सारे लोग के पास अच्छा डिवाइस है फिर भी वो लोग वन टैप नहीं मार पाते हैं, और आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको वन टैप हेडशॉट मारने के लिए। और यहाँ पे आप जो गेम प्ले देख रहे हो ये भी 3 GB रैम के डिवाइस का है, तो मैं इसमें गेम प्ले कैसे करता हूँ और कैसे मैंने वन टैप सीखा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और वन टैप मारते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप बहुत ही आराम से वन टैप हेडशॉट मार पाओ। और लिटरली मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप अपने हर एक गोली को एनिमी के हेड से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो गाइस हमारी जो टिप नंबर 1 है वो है आपका जंप एम फायर, और इस वाले ट्रिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे सामने बंदा है, ठीक है, एंड यहाँ से मैं गया, गन स्विच किया प्लस जंप किया, ठीक है। जैसे मैंने गन स्विच किया साथ में मैंने जंप भी किया, और जंप करने के साथ ही मैंने अपने एम को एनिमी के हेड के ऊपर सेट कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरा एम वाइट है और एनिमी के हेड के ऊपर है, ठीक है। और जब मेरा पेन जमीन पे आने वाला होता है तभी मैं रोटेशन ड्रैग कर देता हूँ, एंड सामने वाले बंदे को कितना ओपी वाला वन टैप लगता है। एंड गाइस देखो आपको क्या करना है कि जैसे आपने किसी एनिमी को देखा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने गन को स्विच करना है प्लस साथ में आपको जंप करना है, ठीक है। और उसके साथ अपने एम को एनिमी के हेड के ऊपर सेट करना है अगर आपका एनिमी थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में है, तो ऐसे में आपको अपने एम को वाइट रखना है। और अगर आपका एनिमी थोड़ा सा मिड रेंज में है तो ऐसे में आपको अपने एम को रेड रखना होगा, ठीक है। और जैसे आपका पैड जमीन से टच होने वाला हो ठीक उस टाइम पे आपको रोटेशन ड्रैग करना है। और अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका वन टैप बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा और आप सामने किसी भी एनिमी को बहुत ही ओपी तरीके से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। और अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से मारना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक वन टैप का सेटिंग होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपनी सेंसिटिविटी में, एंड यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी में जाने के बाद आपको अपने रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 90 पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम अपने सेंसिटिविटी को 100 पे क्यों नहीं सेट कर सकते। तो गाइस देखो अगर आपका फोन हाई डिवाइस का है तो ऐसे में आप कुछ भी सेंसिटिविटी रख सकते हो, बट अगर आपका फोन लो एंड डिवाइस का है और आपका फोन हद से ज्यादा लैग करता है, और ऐसे में अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 100 पे रखोगे तो ऐसे में आपका जो एम होता है वो डायरेक्ट आसमान में चला जाएगा, और यहाँ पर ना तो आपका वन टैप लगेगा ना ही बॉडी शॉट लगेगा, तो ऐसे में सामने वाला बंदा आपको बहुत ही आराम से मार देगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एम वाले टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दो, और कमेंट करने के कुछ ही दिनों बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, इसको देखने के बाद आप अपने एम की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेटर कर पाओगे। तो अगर आप वीडियो चाहते हो तो आपको नीचे यस कमेंट करना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आपके फायर बटन के बारे में कि आपको वन टैप मारने के लिए अपने फायर बटन को कितने पे सेट करना है। तो गाइस मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका वन टैप आपके फायर बटन के साइज के ऊपर मैटर नहीं करता है, आपका फायर बटन आपके वन टैप के ऊपर मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है उसका पोजीशन कि आप लोग अपने फायर बटन को कहाँ पे सेट करते हो। तो अभी बात करते हैं कि आपको अपने फायर बटन के साइज को कितने पे रखना है। तो गाइस देखो वो आपके डिस्प्ले के ऊपर मैटर करता है कि आपका डिस्प्ले कितना बड़ा है, अगर आपके फोन का स्क्रीन बड़ा है तो ऐसे में आप अपने फायर बटन को बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके फोन का डिस्प्ले छोटा है तो ऐसे में आपको अपने फायर बटन को थोड़ा छोटा रखना है। और यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने अपने फायर बटन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में सेट किया है, एंड यहाँ पर मैं जब भी ड्रैग करता हूँ तो मेरा वन टैप नहीं लगता है बिकॉज मेरा फायर बटन बहुत ज्यादा ऊपर है और मुझे वन टैप मारने के लिए प्रॉपर सा स्पेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब मैं अपने फायर बटन को थोड़ा सा नीचे पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा वन टैप कितना जहर लग रहा है, और यहाँ पर मेरा हर एक शॉट हेड शॉट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वन टैप नहीं लग रहा तो ऐसे में आपको अपने फायर बटन के साइज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आपके फायर बटन का साइज चाहे जो कोई भी हो, जिस फायर बटन के साइज पे आप खेलते हो आपका हाथ सेट है, आपको उसी फायर बटन के साइज पे खेलना है, ठीक है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो इसमें आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना होगा, ठीक है। बस ज्यादा कुछ चेंज मत करना, बस आपको अपने फायर बटन की पोजीशन को चेंज करना है। अगर आप लोग का फायर बटन ज्यादा ऊपर की साइड में है तो इसमें आपको अपने फायर बटन को थोड़ा सा नीचे की साइड पे सेट करना है, ठीक है। और इसका डेमो आप लोग कुछ देर पहले देख चुके हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि अगर कोई बंदा आपको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा है तो आप उसके वन टैप से कैसे बच सकते हो। अब मान के चलो कि आप लोग कस्टम खेलो, आपका टीममेट आपको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसे में आप वन टैप से कैसे बच सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज करना है जिगजैग मूवमेंट टेक्निक को, और यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हो कि मेरा फ्रेंड जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, और जब भी मैं उसको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा वन टैप नहीं लग रहा है बिकॉज वो जिगजैग मूवमेंट कर रहा है। तो गाइस देखो अगर आपका एनिमी आपको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा है तो ऐसे में आपको जिगजैग मूवमेंट का यूज करना है, ठीक है। और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एनिमी की साइड में कभी भी सीधा नहीं जाना है, ठीक है। आपको थोड़ा जिगजैग मूवमेंट करते हुए एनिमी की साइड में रश करना है, ठीक है। इससे आपको टोटल 2 फायदे होंगे, पहला तो आप वन टैप से बच जाओगे और दूसरा आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और आपको तो पता है कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें कितना ज्यादा मोटिवेट करता है हमारी अगली वीडियो के लिए। तो बस मेरे भाई मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ गाइस थैंक्स फॉर 13 के सब्सक्राइबर, लव यू ऑल गाइस, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।